नमस्कार आपण समस्तंको हमर यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी को स्वागत। हेलो स्टूडेंट्स, म आपण माननको आजिर क्लास को स्वागत जणाउची। तो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रो यूनिट 2 रो जो चैप्टर अछि तार प्रथम क्लास रे आमे एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड ताको कवर करथले। आज आमे देखिबा एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट को पीरियड रे कौन सब एजुकेशन रो करिकुलम थिला, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कौन थिला, स्टूडेंट माने केमिति रहुथले, सेही विषय रे आज आमे देखिबा। तो देखिबा जे आमर जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी रो मेन टीचर किए थिले, तांकर जो कहार फिलोसॉफी विषय रे आमे पढुचु, गौतम बुद्ध। तो आमर बुद्धिज्म रो फाउंडर हेले गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धंकर रियल नेम तुम मैंने जान, तो तांकर रियल नेम हला सिद्धार्थ। एंड ही वाज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली ऑफ कपिलावस्तु। कपिलावस्तु गोटे जगह जोटा कि फुट हिल ऑफ हिमालय रे प्रेजेंट अच्छे। तो सीए तो गोटे राजकीय परिवार रे जन्म नहीं, केमिति से गोटे मंक हेले किंबा केमिति से गोटे साधु हेले। तो जत्ते बेले से पांचटा इनसीडेंट देखिथिले, माने एमिति लाइफ रे से पांचटा इनसीडेंट देखिथिले जोटा के तांकु भाबिया पई मजबूर करथिला कि ए संसार रे सत्य कोन, तांकु भाबिया पई मजबूर करथिला खुशी कोन, सेई विषय रे। तो सेई पांचटा इनसीडेंट हला गोटे न्यूबॉर्न बेबी, गोटे बेगर किंबा भिकारी, गोटे डिजीज पर्सन, ओल्ड एज आ गोटे डेड बॉडी। ए पांचटा इनसीडेंट जतेबेले से देखिथिले से बहुत मन दुख करथिले। दे वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ए सब देखिके से देखिले जे वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो सी जतेबेले गोटे न्यूबॉर्न बेबी को देखुचंती, गोटे भिकारी को देखुचंती, गोटे रोगरे पीड़ित व्यक्ति को देखुचंती, गोटे बुढ़ा मनुष्य को देखुचंती, आ गोटे डेड बॉडी लास्ट किंबा शब को देखुचंती, से कहुचंती जे ए वर्ल्डटा हला फुल ऑफ सफरिंग। देन ही स्पेंट इयर्स इन स्टडी एंड मेडिटेशन टू डिस्कवर द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड मीन्स टू ओवरकम देम। से तापरे ए सब देखला परे तांको दुनियाटा बहुत तुच्छ लागिला, एवं से स्टडी एंड मेडिटेशन करिबा स्टार्ट कर देले सो दैट से जानी परिबे जे ए जो सफरिंग रो कारण कौन, जो ह्यूमन बीइंग माने दुख पाउचंती तार कारण कौन एवं केमिति याकु ओवरकम करि हबो। सो आफ्टर 49 डेज ऑफ मेडिटेशन गौतम बुद्ध गेन बोधि और एनलाइटमेंट अंडर ए पीपल ट्री इन बोधगया ऑफ बिहार। तो से मेडिटेशन कला परे तांको एनलाइटमेंट हे, माने तांको किछि दृश्यमान हे थिला, बोधि तत्व पाइथिले, से एनलाइटमेंट पाइथिले, तांको भितरे गोटे ज्ञानर संचार हे थिला। कोठि हे थिला इन बोधगया अंडर ए पीपल ट्री, गोटे बोधगया गोटे जागा अछि जोटा कि बिहार रे अछि, सेठे जतेबेले से गोटे पीपल ट्री रो अंडर रे बसचंती आ मेडिटेशन करूचंती, तांकर बौद्धिक एनलाइटमेंट हेथिला। सो बुद्ध रिप्रेजेंट हिज फर्स्ट सर्मन इन द विलेज ऑफ सारनाथ, दैट इज इन उत्तर प्रदेश। सो धर्मचक्र प्रवर्तन इज द नेम गिवन टू हिज फेनोमेनन। तो से जतेबेले एनलाइटमेंट पाइथिले, तांकर ज्ञान पाइथिले, देन तांकर जो प्रथम सर्मन थिला बौद्धिक सर्मन से कोठे देथिले सारनाथ विलेज रे जोटा कि उत्तर प्रदेश रे प्रेजेंट अछि बनारस निकट रे, सेठे से तांकर फर्स्ट सर्मन। सर्मन हला गोटे रिलीजियस स्पीच जोटा कि से रिलीजियस स्पीच हला सर्मन, जोटा से बोधि से ज्ञान प्राप्त करथिले पीपल ट्री अंडर रे, सेटा कौन थिला तार अनुभव सब जो कहिथिले सेटा हला सर्मन। तो धर्मचक्र प्रवर्तन इज द नेम गिवन टू हिज फेनोमेनन टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो धर्मचक्र प्रवर्तन हला एई जो स्पीच से बोधितत्व पाइला परे देथिले ए सर्मन, ताकू कहै छी धर्मचक्र प्रवर्तन।
सी मेनली फोर नोबेल ट्रुथ विषय रे फोर नोबेल ट्रुथ आ एट फोल्ड पाथ विषय रे से बेसिकली कहिथिले। तो आमर जो रही ए यूनिवर्स तार चारिटा नोबेल ट्रुथ अच्छी आ गोटे एट फोल्ड पाथ अच्छी जो थोड़ा कि आम दुखर बंची पारिबा से विषय रे से कहिथिले। तो देखिबा ए फोर नोबेल ट्रुथ ता कौन, तो फोर नोबेल ट्रुथ हला जे प्रथम ट्रुथ हला देयर इज सफरिंग और द वर्ल्ड इज सफरिंग। तो बुद्ध अनुसार ए दुखटा हला रियल आउ एटा हला ही सत। तो ए पृथ्वी रे जेते सब व्यक्ति अछंते जेते सब लिविंग बीइंग अछंते समस्ते किछि ना किछि दुखरु दुखरे दुख केबे ना केबे पाइछंते एवं केबे ना केबे पाइबे मध्ये। सो सफरिंग इज नॉट सिंपली कैजुअल बट इट इज ऑर्डिनरीली प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्जिस्टेंस। समस्त किछि ना किछि दुख रहिछि। तो आमे केबे ना केबे किछि ना किछि दुखर एक्सपीरियंस करिथाउ। तो अकॉर्डिंग टू बुद्ध द प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग गोज मच डीपर एंड लाइफ इज नॉट आइडियल। तो आमे दुख को एमती कह पारिबानी कि तार जड़े व्यक्ति मृत्यु ही अच्छे से खाली दुखरे अच्छा आ जी खुशी रे इंस्टाग्राम रे किसी पोस्ट छाड़े सी सुखरे अच्छी आम सेमती कही पारानी। ह्यूमन बीइंग्स आर सब्जेक्ट टू डिजायर्स एंड क्रैविंग। ह्यूमन बीइंग सब बेले किसी ना कि इच्छा थाए इच्छा को क्रैविंग्स थाए जोटा से मैंने पूरण करने को चाहते से मैंने सैटिस्फाए हाँपी चाहती। सपोज गोटे आम एग्जाम्पल नवा गोटे लोकटे अच्छे से गरीब अच्छे कौन धनी हबार अच्छे से कौन कला ताकु से जेते धनी होगला देखला जे धनी तो होगला तार किंतु जेते भी संपर्क अच्छा ताठ धीरे धीरे दूरे जाऊँगी समस्त गोटे अलग अलग रूम हो जाए तार पुओ झियो संगरे तार एत संपर्क रोना तार स्त्री संगरे तार संपर्क नहीं से धीरे धीरे लोनली फील करुच्छे। नो डाउट से ऊपर देखापी खुशी रोज से बहुत धनी से खुशी अच्छी आम भापर कितु भितर तार दुख रही कि नाई मत ए दुनिया रे एका लगुच मो पाखे कई नहांती एमती सब तर गोटे दुख रोचे। देन सी जो भावुला कि सी गरीब अच्छे जिते बनी जो से सुखी हो जिनसटा हो पारानी लाइफटा मोनोटोनस होगला लाइफटा बोरींग होगला से जो भावुला कि एवं गरीब सी अच्छे कि जोबले धनी हो सब ताक पलै आस खुशी पलै आस तापर जाके से खुशी पाईपर से संभव हो पारानी। आउ केते जण जितेबेले आम देखि थाउ आउरी बहुत लोक ए संसार रे अछंती जो माने बहुत सारा डिजीज रे सफर होउछंती बहुत सारा इलनेस रे सफर होउछंती एवं जे किछि इलनेस रे सफर होउनी मे बी से मेंटल स्ट्रेस रे सफर होउछी। तो ए सब देखि बुद्ध कहले जे सफरिंग टा हला ट्रुथ माने ए संसार रे समस्ते सफर करुछंती। देन से जानिबा को चेष्टा कले व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग कॉज ऑफ सफरिंग टा कौन। तो सी देखले जे सो बुद्ध कहले जे देयर इज कॉज फॉर एवरी सफरिंग जो आम दुख पाचु तार किछि ना किछि कारण रहिछि एंड जो आमर जो कारण कौन आमर इच्छा इन बुद्धिज्म डिजायर एंड इग्नोरेन्स लाइ एट द रूट ऑफ सफरिंग कौन डिजायर एंड इग्नोरेन्स। डिजायर कौन आमको किसी पाइबार इच्छा आम सब बड़े भाभी था आम जो मेटे वस्तुवादी हो जाऊ आमको ये जिनस पाइला आम खुशी अनुभव करमती आम कही था आम घरे एसी गोटे ना एसी जदि आसीगला मु खरा मस सब खुशी व्यक्ति होगी मोर मेन एम है गोटे एसी किणवार कि आउ जे जार एसी अच्छे सी कहे जे गोटे भड़ा घरे रोच सी कहे कि ना मु गोटे घर किणले सबुठ खुशी व्यक्ति हो पाखे सब पल आस जी बैक चलाउे सी कहे मु कार किणले खुशी होगी जी सैकल चलाउे सी कहे मु बैक किणले खुशी होगी एमती चली कि मनुष्यर जो इच्छाटा अच्छे से केबे सरे ना से जदि सैकेल बैक से पाइला से चाहब कार गोटे किणवापी कार पाइला से चाहब गोटे भल लक्जरीय कार किणवापी जदि कार मिली अच्छे से चाहब गोटे
प्लेन किनिबा पई तो एमिति मनुष्यर जो इच्छाटा अछि सेटा केबे भी सरे नाही आ से इच्छाटा जते बले फुलफिल न हे पारुछि सेटा कोन होछि दुखर कारण हे जाउछि। इग्नोरेंस कोन आमे जते बले रियल सत्यता को न जानि कि आमे ए जो संसारर सुख पछरे धाउछु सेटा ला इग्नोरेंस माने आमे इग्नोर कर देउछु कि आमे आमे किए आमे संसार को कौन पाए आसीचु आमे तो ये संसार को आसीनु एमती गाड़ी मोटर चलेबा पई किंबा बड़ बड़ घर रहिया पई आमे तो आसीनु आमे कौन पाए आसीचु आमे मोक्ष प्राप्ति पई आसीचु। ए जिनस को जते बेले आमे इग्नोर कर देउछु तो आमे कौन करछु ना आमे भितरे लोभ मोह अहंकार राग ए सब जिनस डेवलप होउछि तो कॉज ऑफ सफरिंग हला मेनली इग्नोरेंस और डिजायर इच्छा और इग्नोरेंस हला मेन कॉज ऑफ सफरिंग। नेक्स्ट हम देखिबा थर्ड नोबेल ट्रुथ हला सीजेशन ऑफ सफरिंग माने ए दुखरो केमिति जो रक्षा पाइबार मार्ग कौन तो सीजेशन ऑफ सफरिंग बा एंड ऑफ सफरिंग कहले आमे बुझिबा निर्वाण को तो आमर गुड न्यूज हला जे ए सफरिंगटा गोटे रोटे एंड अच्छी केमिति एंड अच्छी जदि आम निर्वाण प्राप्त करुचु व्वेन वन हेज अचिव निर्माण निर्वाण सो आमर सफरिंगटा कम हो निर्वाण कौन इट इज द कम्प्लीट सिचुएशन ऑफ सफरिंग एंड इट इज अ स्टेट ऑफ फ्रीडम पीस और लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ। तो जत्ते बेले गोटे पर्सन एमती गोटे स्टेट रे आसी जाइछि जो थे कि तार चारिपर्श्वरे किछि भी होला ताको किछि फरक पड़ो नै सपोज आमे आमे देखिबा कि आमे आमको दुख कोन पे लागुछि आमे जानु जो जे ए होचंती आमर मा के होचंती आमर बापा तांको दुख होछि आमको दुख होछि किंतु आमे जत्ते बेले जानु भाबिबा कि ए होचंती भगवानकर गोटे गोटे संतान ए माने तांकर जहाँ कर्म होती तार फल पाँच मध्य जहाँ कर्म करी मध्य तार फल पाइबि तो ये कौन है आम निर्मोह हो गले आमर जो यहाँ मो माँ यहाँ मो बापा यहाँ मोर भाई भोनी सांग ये वो तो यूर आम मुक्त स्टेट को पलैले तो निर्मोह अवस्था पलै आसे देन आम कौन पाए जनक एक्सपेक्टेशन करें बुझुचु जे हाँ सी मोर भौणी से मोपाई एटा करिबा कथा से मोर भाई आउ से मोर भाउज से माने मते पचारिबा कथा आमे जो एमिति जो एक्सपेक्टेशन रही जाउछु ये मोर बोले कि जहाँ एक्सपेक्टेशन रखुचु सेति पई ही आमे दुख पाउछु जेते बेले आमे से स्टेट को पहुँची जिबा जो थरे कि आमर माने गोटे प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस आमको मिलिबो हेवन बोलिया फील हबो आमर डिजायर सफरिंग सब जाक पलेब से स्टेटा है निर्वाण तो निर्वाण जिते बड़े अचीव करुचे से तार सिजेशन ऑफ सफरिंग सफरिंगटा बंद हो जाए देन आसला द पाथ टू सिजेशन ऑफ सफरिंग तो यही जो सफरिंग को बंद करिबार रास्ता कौन तो यही बुद्ध कही नोबेल एट फोल्ड पाथ तो आठटा पाथ कही जहाँ फॉलो करके आम सफरिंग रु रक्षा पाई एंड दिस पाथ इज ओपन टू ऑल एंड दिस एट स्टेप्स रिमूव इग्नोरेंस एंड डिजायर एनलाइटन द माइंड एंड ब्रिंग अबाउट द परफेक्ट इक्वानिमिटी एंड ट्रांक्विलिटी तो यही जो आठटा पाथ से कही समस्ते फॉलो करें जोटा कि आमर जो इग्नोरेंस आम जो निजकु इग्नोर कर देउछु एंड आमर जो इच्छा अच्छी ताको रिमूव करिबारे हेल्प करिबो आमर माइंड को अवेकनिंग करिबो एंड गोटे परफेक्ट बैलेंस आणिबो आमर माइंड रो एंड द मिजरी सीजेस कम्प्लीटली एंड द चांस ऑफ रीबर्थ इज ऑल्सो स्टॉप्ड तो सी कौन कही जिते बे स्टेट को निर्वाण स्टेट को पलै आसु से कौन आमर जो वर्ल्डली साइकिल ऑफ बर्थ रिबर्थ ये सब जिनस धीरे धीरे बंद हो जाए एंड ए स्टेट को से कही
आमे पढ़िले जे निर्वाण, दिस अटेनमेंट ऑफ दिस स्टेट ऑफ परफेक्शन इज कॉल्ड निर्वाण। तो एबे आमे देखिबा जे अष्टांग मार्ग बा एट फोल्ड पाथ कौन। तो एट फोल्ड पाथ रे आठटा जो जिनस कहते से फर्स्ट जिनसटा है राइट विजन। तो राइट व्यू से ला राइट विजन और समदिति। तो राइट व्यूज और समदिति और सम्यक दृष्टि और राइट विजन ये सब है गोटे जिनस। तो राइट विजन और राइट व्यूज है जे आमर व्यूज और आमर दृष्टि कह प्रति जो आमर मत जो अच्छी निर्वाण तार प्रति। तो जिते बड़े इग्नोरेन्स आमर निजर प्रति आम जिते बड़े इग्नोर करी था आम जिते बड़े भावु कि आम जन्म हेचु खाई पी कि मौज मजलिस करके रहिबु देन सरला आमर अधा जन मत एमती थाए अधा जन व्यू बा विजन यहाँ थाए। तो यहाँ है इग्नोरेन्स। सो एच इग्नोरेन्स विथ इट्स कन्सिक्वेन्सेस नेमली रंग भ्यूज। तो इग्नोरेन्स जितेबले होटा है रंग भ्यूज अबाउट द सेल्फ एंड द वर्ल्ड एंड इट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर सफरिंग। तो आमर जितेबले भ्यूजा रंग भ्यूज हो जा कि रंग भिजन हो जाटा कौन कौन हूँ आमर दुखर मूल कारण हो। तो नेक्स्ट आसला आमर राइट व्यूज। राइट व्यूज कौन सो इट इज नेचुरल दैट द फर्स्ट स्टेप टू मोराल रिफॉर्मेशन शुड बी द एक्विजिशन ऑफ राइट व्यूज और द नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। तो आमर जो फोर नोबल नोबल ट्रुथ अच्छी तार विषय नॉलेज गेन करिबाटा हला राइट व्यूज। तो इट इज द नॉलेज ऑफ दिस ट्रुथ्स अलोन एंड नॉट एनी थियोरिटिकल स्पेक्युलेशन रिगार्डिंग नेचर एंड सेल्फ व्हिच अकॉर्डिंग टू बुद्ध हेल्प्स मोरल रिफॉर्मेशन एंड लीड्स अस टुवर्ड द गोल निर्वाण। तो बेसिकली आम जितेबले राइट विजन किंबा राइट व्यू कथा कहू जे आमको फोर नोबल ट्रुथ विषय प्रॉपर ज्ञान रहिबा दरकार सो दैट आम यही सफरिंग जो ताठू मुक्त पाई सफरिंग सफरिंग ठू मुक्त अवस्था आमको मिल पार। नेक्स्ट आमर आसला राइट थॉट और राइट एटीट्यूड। राइट थॉट और राइट एटीट्यूड को आमे एमिति भी कहूँ राइट डिजायर और राइट मोटिवेशन और राइट थॉट। जिते बड़े आमे भल भाविबा सेतेबेले ही तो आमे काम भल काम करिबा। तो दिस एलिमेंट लाइक द राइट व्यू हैज टू लेवल्स। ऑन ए मोर बेसिक लेवल द डिटर्मिनेशन एंटेल्स बीइंग हार्मलेस और अहिंसा टू ऑल बीइंग्स। माने अहिंसा आमर परम धर्म एवं आमे काहाकु हिंसा करिबा कथा नुह एटा हला तार गुटे टीचिंग एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम इल विल एज दिस एक्यूमुलेट्स कर्म एंड लीड्स टू रिबर्थ। आमर जो वृथा इच्छा जिते होची खराब इच्छा जिते होची ताठू आम दूर खाली इच्छा आसीगला आम माइंड को कंट्रोल कर पारे आम ठीक अच्छे बट से इच्छा सपोज आम गोटे जनक घर को जाइ तार घर गोटे बहुत सुंदर आंब गचट अच्छी बहुत सारा आंब फली आमे ताको न पचारिकी जदि आंब एमिति धरी आणुचु आमे ताको घर को जाइचु ताको आमे कहिलेनि एमिति आंब दुईटा चारटा पड़ी बैग रे गोटे नेले किंबा तोळिकी बैग रे गोटे नेले। तो एटा कोन करूची आमर कर्म कर्म हिसाब रे आमर लेखा होची जोटा कि आमर रिबर्थ करैबो। जदि कर्म आमे खराब कर्म कले से कर्मर बंधन टाकु चुक्त करिवा पई किंबा जहाँ आम कर्म करिचु से तार अनुरूप फल पाइबाई आम पुणी थे पुनर्जन्म नवाक पड़ता है। तो से राइट थॉट और एटीट्यूड्स यहाँ आम भितर धारण करके आम समस्ते भल कर्म करवा दरकार
एवं भल संकल्प करने दरकार सो दैट ये सफरिंग रु आम मुक्त हो पारा एंड एवरी वन हैज ए सोर्स ऑफ पेन एंड डिवाइड ऑफ ए सेल्फ तो आमर जिते भी फिलिंगस अच्छी लिविंग बीइंग प्रति ताकू आम नष्ट दरकार आउ जिते भी खराब फिलिंग अच्छी टू गिव अफ इल फिलिंग टुवर्ड्स अदर्स एंड डेजिस्ट फ्रम डूइंग एनी हार्म टू देम सपोज आमर किसी जन निंदा करुच्ची किंबा आमर किसी खराब चिंता कला आम ता विषय खराब चिंता करिबा नहीं किंबा आम तार अनिष्ट पाई किसी कार्य करिबा नहीं तो एटा जदि सी तो तार कर्म से लिखला आम जदि एमती से जहाँ कला आम जदि तार बदला नापी से जहाँ करें भी ता कले तो सेटा आमर कर्म लेखाई जाऊँगी एवं आमको पुणी थे पुनर्जन्म नापी बाध्य कर तो से आमको राइट थॉट और राइट एटीट्यूड नवा दरकार जितेबले आम राइट थॉट पोजेस करू सेटा आमर स्पीच रे देखा जाए था तो जदि आम क्या विषय खराब चिंता करुचु ऑटोमेटिकली आम कथार से बाहरी पड़ो तो राइट स्पीच है एब्सटेनिंग फ्रॉम लाइंग मिछ कह किंबा गाली गुलज कर स्लैंडर यूज अनकाइंड वर्ड्स क्या प्रति निर्दयता भाव वर्ड यूज करमको अटकाय थाए राइट राइट स्पीच सो यहाँ आम राइट स्पीच आउ बुद्ध एक्सप्लेन करते जे गोटे करेक्ट स्पीच कौन गोटे कंटेस्ट से तांकर जो करेक्ट स्पीच को कही अभय राजा कुमार सुत बेस्ड ऑन हिज ट्रूथ वैल्यू यूटिलिटी वैल्यू एंड इमोटिव कंटेंट नेक्स्ट आसला आमर राइट और इंटीग्रल एक्शन बा समकामंता और या सम्यक कर्म राइट कंडक्ट बा राइट और इंटीग्रल एक्शन कौन इट इज सिमिलर टू करेक्ट स्पीच बट स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बॉडीली कंडक्ट माने एटा आमर स्पीच संगरे समान स्पीच संगरे कौन समान जमीती आम गाली गुलज क्या करवा नहीं क्या खराब भाषा उपयोग करवा नहीं सेमती आमर बॉडीली कंडक्ट कौन आम कह हार्म करवा नहीं क्या प्रति इवेन पशुपक्षी मान प्रति भावलेंस शो करवा नहीं देन क्या मिछ कथा कहवा नहीं ये सब हैला राइट एक्शन और सम कमंता और राइट कंडक्ट तो इट रिफर्स टू ए मोरल फाउंडेशन फॉर ए लाइफ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉट एक्सप्लोइटिंग वनसेल्फ और अदर्स एंड द ये जो राइट एक्शन रे कौन कौन सब इनक्लूड अच्छी डू नॉट कमिट वायलेंस का प्रति हिंसा करिबा कथा नुह आम समस्त को दया भाव देखा दृष्टि देखा दरकार आम प्रति आम रि किए निंदा करुच्ची ताको भी आम शुभ भावना दबा आम तार अनिष्ट चिंता करिबानी डू नॉट कवर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स कार प्रॉपर्टी को निजर प्रॉपर्टी बोली कह नहीं देन डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस और सेंसुअल बिहेवियर जो आमर करप्ट प्रैक्टिसेस रही आजिकल जो करप्शन होची बहुत सारा से सब करप्शन रे इनवल्व न होबा होची राइट एक्शन डू नॉट टेल ए लाय मिछ कहबा कथा नु डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स आमर जो निशा द्रव्य सब अच्छी जहाँ कि मद गंजा ए सब जिनस आमे यूज करिबा कथा नुह टू अवॉइड ईटिंग आफ्टर मिड डे तो आमर जो आम गोटे टाइम देखी थो साधु संत माने कौन जो संध्या पर खाती नहीं से लास्ट मिल तीन टा ना चारटे से खाई दिंती सब पाँचटा आगु सब से खाई दिंती तो टू अवॉइड ईटिंग आफ्टर मिड डे
देन टू अब्सटेन फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड द वेयरिंग ऑफ ज्वेलरी। तो जिते भी आमर दुनिया रे एंजॉयमेंट रही जोड़ा कि आम मन को एंजॉयमेंट प्रदान करुच्ची, जमी मूवी होगला, मूवी वाच कले, सीरियल वाच कले, आम गीत शुणा, ये सब जो जिनस आम मन को जो एंजॉयमेंट प्रोवाइड करुच्ची सेठ दूर रहा कथा। एवं डिफरेंट टाइप रो ज्वेलरी जो रही गोल्ड किंबा सिल्वर ज्वेलरी ताको मध्य पिंधिबा कथा नुह। तो एटा पिंधिले कौन हम आम मध्य लोभ भावना जात हबो, लोभ भावना जात हबो, आमर मोह तार प्रति गोटे अटैचमेंट रहिबो। मु तो सुना चेन टा पिंधिछि, कुआडे गला सुना चेन, सबबेले मनटा सेही जगार रहिबो, आमे निज निज उपरे एवं भगवान को उपरे कंसंट्रेट करि पारिबा नाही। देन टू अवॉइड स्लीप इन हाई और लग्जरी बेड्स एज वेल एज हैंडलिंग गोल्ड एंड सिल्वर। जो देखि थिबो तमे माने साधु मंक माने जेते थांती से माने तळे गोटे गदी पके थांती किंबा गोटे पाछोटा भळिया पके कि से ता उपरे सोई थांती। तो सेमिति लग्जरी बेड्स किंबा हाई बेड्स और जोड़ा भी आमको खुशी प्रदान करुच्छी से सब जिनस आम एवॉइड हवा कथा। आउ बेसी गोल्ड आउ सिल्वर ये सब जिनस रखा कथा नुह, से सब जिनस को हैंडल करिवारो आम वंचित हवा कथा। तो ये सब है राइट एक्शन। तो ये सब जिनस फॉलो कले कौन हम आमर लोभटा धीरे धीरे कमीज, लोभटा कमीगले आमर क्रोध धीरे धीरे कमीज, आमर मोह जो रही जो आमर विभिन्न ज्वेलरी मान प्रति हो सुना रूपा मान प्रति हो सेटा धीरे धीरे कमीज, आमे आम भितर डिफरेंट मोराल वैल्यूज को इनकल्केट कर पारिबा धीरे धीरे। तो एटा हला आमर राइट एक्शन। नेक्स्ट आसला आमर राइट और प्रॉपर लिवलीहुड। तो राइट और प्रॉपर लिवलीहुड हला ते जे वी शुड एंगेज इन एन ऑक्युपेशन दैट नॉट ओनली अर्न्स अस ए लिविंग बट आल्सो क्रिएट्स ग्रेटर हैप्पीनेस, विजडम एंड वेल बीइंग एंड रिलीव सफरिंग इन आवर सेल्फ एंड अदर। एंड वी शुड अवॉइड ऑक्युपेशन दैट प्रोड्यूस हार्म। तो लिवलीहुड कौन, प्रॉपर लिवलीहुड कौन, आम एमती किसी अकुपेशन बा जॉब रे रहा कथा जोटा कि आमको अनहेल्दी वे रु अर्न न करी हेल्दी माने जो सचोटतार सहित आम किसी अर्न करवा, अनेस्टी सहित किसी अर्न करवा, जहाँ कि आम भितर ग्रेटर हैप्पीनेस आउ जहाँ भी आमर खुशी ज्ञान आउ आमर जहाँ भी सब भल गुण अच्छे सब डेवलप हम एंड इट रिलीव सफरिंग इन आवर सेल्स एंड अदर्स। एंड अकॉर्डिंग टू द अनुगुत्तर निकाय द करेक्ट लिवलीहुड डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रेडिंग ऑफ वेपन्स, लिविंग बीइंग्स, फ्लैश, अल्कोहलिक बेवरेजेस और पॉइजन। सो नेक्स्ट आसला आमर राइट इफोर्ट और राइट एनर्जी और समवायम। तो जड़े जिते भी चाहला कि मु गोटे राइट थॉट, राइट व्यूज, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड को सब पोजेस करी, बट ही इज कन्स्टेंटली नॉक्ड ऑफ बाय द राइट पाथ बाय ओल्ड इविल आइडियाज। तो जड़े जिते भी चाहला माने गोटे पॉजिटिव वे रे जीवापी आम मन भितर जो नेगेटिव थिंकिंग थाए से सब कौन करे आम मन भितर उंकी मार थाए। सपोज आम आज ट्राए कले कि आज मु ओनली पॉजिटिव थिंकिंग करी, मु सब जिन पॉजिटिव भावी। जमी सपोज आम जॉब क्षेत्र में जीवा कि आम गोटे एग्जाम देवा जाइ आम से भावु कि नाई मु एग्जामा मोर गला आगु आम भाविकी गले मोर एग्जामा बहुत भल हम, भल हम मोर सिलेक्शन बहुत बढ़िया हम। देन एग्जाम दे सारापर आम सागे सागे भाव देन कौन
ना मोर तो एते दिन हला फेल्योर ही ही आसुची मोर फेल्योर मे भी हे पारे मे भी क्वेश्चन हार्ड आसे पारे मे भी मोठो अधिका अलग छुआ माने पढ़ी थे पारंती एमिति जो नेगेटिव थिंकिंग आमर मन भितर रही जाए से आम जिते पॉजिटिव भाविबू भाविले मध्य से जिनसटा उंकी मारुची देन सपोज घर किए फोन उठाऊ न था तो आम एटा भी तो सब भावु था पॉजिटिव थिंकिंग कले कि हाँ मे भी फोन टा साइलेंट मोड रे थी देन केते बेले जदि अधिक टाइम फोन न उठाऊ था आम भितर सब डर लगी रही था कौन है कौन सब से भले अच्छा तो कि कौन एक्सीडेंट है कि ये है कि आम माइंड सब ये सब जिन चलता है नेगेटिव थिंकिंग जो आम मन भितर अच्छी से आम पॉजिटिव ऊपर सब हावी हो जाए तो यह आम कमी दूर करपर राइट इफोर्ट मध्यम कंटिन्यूस इफोर्ट मध्यम कंटिन्यूसली जदि आम ये नेगेटिव थिंकिंग आसमें आसू था किंतु आम पॉजिटिव रे बदलाइले नेगेटिव को पॉजिटिव रे ट्रांसफॉर्म करूँ तो सेते कौन हम राइट इफोर्ट द्वारा राइट एनर्जी द्वारा आम से ही आमर नेगेटिव थिंकिंग को दूर कर पारिबा आ गोटे पॉजिटिव जो आमर थिंकिंग आम से इम्प्रूव कर पारिबा आम मनरे जो जहाँ भी एवरीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू साइट साउंड सेंट्स टेस्ट एंड टच इट्स ए सेंसुअल क्रैविंग दैट मस्ट बी इराडिकेटेड बाय इफोर्ट माने आम गोटे संसार संसार रहीकि संसार को त्याग करने संसार मोहमाय त्याग करने गोटे इजी जिनस नुह तो ये केमिति हेपर एचिव कंटिन्यूस इफोर्ट द्वारा जमीती सपोज जड़े चाहला मंक हाबापी बट तार एमती तार गोटे हैबिट अच्छे कि से भल खाद्य प्रति से लालायत हो जा तो ताको लालसा को कंट्रोल करने को हम टेस्ट को कंट्रोल करने को हम तार देन जो आमर डिफरेंट रही साउंड सपोज गीत शुणा को भल लगे यही सब जो बाह्य खुशी जहाँ आमको प्रदान करुच्ची से सब जिनसरु ताहाकु रिस्ट्रेन एब्सट्रेन हाबाकु पड़िबो एवं थ्रू कंटिन्यूस इफोर्ट एंड राइट इफोर्ट एंड राइट एनर्जी से कौन कर पारिबो ट्रांसफॉर्मिंग पाथ ऑफ क्रिएटिव एंड हीलिंग एक्टिविटी दैट प्रमोट्स होलनेस एंड सो ब्रिंग्स अस क्लोजर टू कॉन्शियस इवोल्यूशन तो ये कॉन्शियस इफोर्ट द्वारा आम ये जिनसटा को अचीव कर पारिबा आउ आमको ट्रांसफॉर्म कर पारिबा नेक्स्ट आसला आमर राइट माइंडफुलनेस और समसति राइट राइट माइंडफुलनेस कौन अटेंशन दबा आम कि आमर स्थितिटा कौन रहुची देन आम निजकु सबुबेले माने गाइड करिबा दरकार एवं चेक करिबा दरकार कि वेदर आम मनरे को कार प्रति किछि घृणा भाव जात होउची कि आमर मनरे खाइबा प्रति किछि लालसा आसुची कि ए जो आमर ज्वेलरी रहिची गोल्ड सिल्वर रहिची ता प्रति किछि आमर वीकनेस अछि कि एही सब जिनिस आमको चेक करिबा दरकार देन राइट माइंडफुलनेस माने हला माइंडफुल माने आम समस्त सबबेले निजकु ध्यान जहाँ भी बुद्धिस्ट पाठ पढ़ा अच्छी ताको सब बेले आम याद करने कथा ताको सब बेले रिसाइट करने कथा प्रैक्टिस करने कथा तो ये प्रैक्टिस द्वारा कौन हम इट कल्टिवेट डीपली एब्जॉर्ब्ड शेड्यूल्ड स्टेट ऑफ माइंड इन योगिक प्रैक्टिस तो ये प्रैक्टिस द्वारा आमर माइंड रे सेटा अधिक दिन पर्यंत रिटेन होके रहिबो आ से जो आमर लालसा हो कि जो भी आमर वीकनेस हो सेटा धीरे 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 दूर हो जीवो जो भी जिनिष अच्छी जदि आम ताको ठीक हिसाब रे कंट्रोल न कले माइंडफुली माइंडफुल न रहिले तो आम कौन हबा अगेन से जिनिष प्रति अटैच्ड हो जीवा एंड अटैचमेंट द्वारा आमर कौन हम आम एगेन से सफरिंग वाला वर्ल्ड को धीरे 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 प्रवेश करिबा
ଆଉ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡେଜ୍ ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କେତେ ନିର୍ମୋହ ହେଇପାରୁଛୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର ରାଇଟ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅର୍ ସମ ସମାଧି। ଏଇଟା କ'ଣ ରାଇଟ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା, ୱାନ୍ ହୁ ହ୍ୟାଜ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଗାଇଡେଡ଼୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ 7 ରୁଲ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ବାଇ ଫ୍ରିଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ପ୍ୟାସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଭିଲ୍ ଥଟ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ଫିଟ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ 4 ଡିପର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିପର୍ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ରାଇଟ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନ ହୋଇକି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ୱରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଉଜିନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ସ। ତ କ'ଣ ରାଇଟ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟିଏ, ସପୋଜ୍ ଭଗବାନ ହେଲା କିମ୍ବା ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛୁ, ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବା, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ଼୍ ନ ହେଇକି, ସେଇଟା ହେଲା କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ୱରିଜ୍, ଯାହା ବି ଆମର ଚିନ୍ତା, ସେଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଆମର ଡାଉଟ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ଥାଏ, ଆମକୁ କିଛି ଡ୍ରାଉଜିନେସ୍ ନଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଜୟ ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍। ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଯେତେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବ ସେତେ ସେ ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ସପୋଜ୍ ସେ ମେଡ଼ିଟେଟ୍ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେ ଯଦି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା ତ ତାହା ତା ମଧ୍ୟକୁ ବାକି ସବୁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆର ଚାକଚକ୍ୟ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ କି ନା? ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇକି ଖୁସି ଅଛି, କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ୟାଦରେ ସେ ଖୁସି ଅଛି, ସେଇଠି ସେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିକି ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଆଗକାଳରେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଧ୍ୟାନ କରିକି ରହୁଥିଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲିକି, ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରୁଥିଲା? କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେମାନେ ଏତେ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ମେଡ଼ିଟେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ଦେଖିଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଉଇ ହୁଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ଼ଲି ଜିନିଷର କିଛି ଖିଆଲ ହିଁ ନଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ଆମେ 4 ନୋବେଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଉ 8 ଫୋଲ୍ଡ ପାଥ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କରିକୁଲମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ପାର୍ଟ 2ରେ କଭର୍ କରିବା। ଏହି ପରିକା ଫ୍ରି କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।